मस्जिद भिवंडी के बीच रोड पे मस्जिद बनाई गई है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की सरकार होते हुए भी एकनाथ शिंदे जी से यह विनम्र निवेदन करता हूँ कि यह मस्जिद हटनी चाहिए। भिवंडी में एक शख्स ने हाफिज जी बाबा दरगाह पर टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल कर दिया है, जिसके बाद भिवंडी शहर में सोशल मीडिया में इस लड़के के खिलाफ कार्रवाई करने की पुलिस से मांग तेज हो रही है। ये दरगाह भिवंडी के गोकुल नगर में है। दरगाह पर टिप्पणी करते हुए इस शख्स ने रोड से दरगाह हटाने की बात कही है, यानी कि अब महाराष्ट्र में भी हिंदू मुस्लिमों के बीच में इस तरह के शरारती तत्व नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जिस सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल किया गया है, उसी सोशल मीडिया में अब कार्रवाई की भी मांग तेज हो रही है। वहीं भिवंडी निजामपुरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI नरेश पवार ने बताया है कि लड़के की पहचान की जा रही है और इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। लोगों से पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील भी की है। मैं सीनियर PI नरेश पवार, निजामपुरा पुलिस स्टेशन। निजामपुरा पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आने वाले हाफिजी बाबा दरगाह के बारे में कल 15 तारीख को किसी अनजान व्यक्ति ने एक वीडियो पोस्ट किया है। निजामपुरा पुलिस को इसकी खबर मिलने के बाद हमने तुरंत हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी इत्तला कर दी और शीघ्र ही कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके बारे में हमने हाफिजी बाबा दरगाह के ट्रस्टी साहब से मुलाकात की है और वहाँ के जिम्मेदारान लोगों से प्राप्त शिकायत अर्जी के उपरोक्त उस अनजान व्यक्ति के खिलाफ छानबीन शुरू कर दी है। कल का दिन और रात और आज सुबह से इस व्यक्ति की शोध मुहिम चालू है, मगर अभी तक उसके बारे में कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला है। ऐसे लग रहा है कि शायद यह व्यक्ति भिवंडी शहर का रहने वाला नहीं है। फिर भी हम पूरे जोन 2 के भिवंडी शहर में आने वाले सारे पुलिस स्टेशन और आसपास के इलाके के सभी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के संपर्क में हैं और जल्द ही उनसे संपर्क करके इस व्यक्ति की खोज करेंगे। मेरी आप सभी भिवंडी वासियों से अपील है कि कृपया आप शांति बनाए रखें और पुलिस को पूरा सहयोग दें और विश्वास रखें। पुलिस ने ऑलरेडी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर किसी भी नागरिक को इस अनजान व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी मिलते हैं तो कृपया मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9511612764 पर संपर्क करें और मुझे इत्तला करें। नमस्कार, जय हिंद।